हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशंस बाय हेमलता परिहार। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटरल्स। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको क्वाड्रिलेटरल का इंट्रोडक्शन जो है वो बेसिक वो मैंने आपको दे दिया था। व्हाट इज क्वाड्रिलेटरल, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है क्वाड्रिलेटरल्स की, ये सब मैंने आपको बता दिया था। आज हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन फर्स्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इन रेशो 3:5:9:13, देन फाइंड ऑल द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। आपको क्वाड्रिलेटरल के जो फोर एंगल्स होते हैं, इन फोर एंगल्स का रेशो गिवन है और आपको जो एंगल्स एग्जैक्ट एंगल है वो आपको फाइंड करना है। जब भी किसी क्वेश्चन के अंदर आपको रेशो गिवन है तो वहाँ पर उस रेशो को आपको एज्यूम करना होगा x। मान लेते हैं कि जो एंगल्स है वो 3x, 5x, 9x और 13x हैं, ठीक है। तो यहाँ लिख देते हैं हम, लेट ऑल एंगल्स आर 3x, 5x, 9x एंड 13x। जो हमारे पास में रेशो गिवन था, उस रेशो के अकॉर्डिंग हमने सभी के साथ में क्या लगा दिया, x लगा दिया। तो हमें अब यहाँ पर x की वैल्यू चाहिए। तो x के साथ में ये सारे नंबर्स मल्टीप्लाई होके हमको एग्जैक्ट जो एंगल्स हैं हमारे, वो एंगल्स हमें मिल जाएंगे, ठीक है। तो हम जानते हैं ऑल सम ऑफ ऑल एंगल्स, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। हम जानते हैं कि क्वाड्रिलेटरल के जो फोर एंगल्स होते हैं उन सभी एंगल्स का सम करने पर हमें कितना मिलता है, 360 डिग्री। तो हमारे पास में जो एंगल्स हैं इनका सम करेंगे हम, देयरफोर 3x प्लस 5x प्लस 9x प्लस 13x इज इक्वल टू 360 डिग्री। सभी को प्लस करेंगे हम, ऐड करेंगे, 13 प्लस 9 22 22 प्लस 5 27 27 एंड 3 इज 30। सम हो गया 30x इज इक्वल टू 360, देन x इज इक्वल टू 360 अपॉन 30। 0 से 0 कैंसल और 3 से कैंसल, 3 1 3 और 3 2 6। तो हमारे पास में x की वैल्यू आ गई है 12। x इज इक्वल टू 12 आ गया हमारे पास में। अब हम क्या करेंगे, इस x की वैल्यू को जो हमने एंगल्स एज्यूम किए थे वहाँ पर पुट करेंगे तो हमारे पास में एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा, दस एंगल्स आर, फर्स्ट एंगल था हमारा 3x, तो 3 × 12 कितना आ जाएगा, 36 डिग्री। फिर 5x, 5 × 12 करेंगे हम 60 डिग्री। फिर 9x, 9 × 12 108 डिग्री एंड 13x, 13 × 12 करेंगे हम, 13 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 156 डिग्री। तो ये हमारे ऑल एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स, ओके। क्वेश्चन सेकंड है हमारा, इफ़ द डायगनल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। एक पैरेललोग्राम गिवन है आपको जिसके डायगनल्स जो होंगे वो आपस में इक्वल है, देन शो दैट इट इज़ अ रेक्टेंगल। आपको प्रूव करना है कि वो पैरेललोग्राम क्या होगा, रेक्टेंगल होगा, वो लेके आना। तो उसके लिए आपको पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल दोनों की प्रॉपर्टीज़ मालूम होनी चाहिए। व्हाट इज़ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, डायगनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। व्हाट इज रेक्टेंगल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट ऑल एंगल्स आर राइट एंगल एंड डायगनल्स आर इक्वल। ये दोनों हैं अलग अलग प्रॉपर्टीज पैरेललोग्राम की और रेक्टेंगल की। तो आपको पैरेललोग्राम लेके चलना है और पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी से आपको उसको प्रूव करना है रेक्टेंगल, मतलब कि रेक्टेंगल की जो प्रॉपर्टी वो सारी की सारी इसमें सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो वो कैसे करेंगे, आपको यहाँ पर क्या गिवन है, ABCD इज ए पैरेललोग्राम, इसका मतलब कि अपोजिट साइड तो इक्वल है क्योंकि पैरेललोग्राम में और रेक्टेंगल में दोनों में ये चीज़ कॉमन होती है। तो कॉमन चीज़ क्या नहीं है कि रेक्टेंगल के अंदर जो एंगल्स है वो चारों के चारों एंगल राइट एंगल होते हैं,
जबकि पैरेलोग्राम में अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, चाहे कितने भी डिग्री के हैं अपोजिट इक्वल होते हैं, मतलब कि ए इज इक्वल टू सी होता है और बी इज इक्वल टू डी होता है। तो हमें इन एंगल्स को अगर हम राइट एंगल लेके आ जाए तो हम कह सकते हैं कि यस ए बी सी डी इज ऑल्सो अ रेक्टेंगल। तो यहाँ पर एक चीज़ तो हमको दे दी इसने पहले से कि इसके जो डायगनल्स हैं वो तो आपस में इक्वल है, तो हमको सिर्फ क्या लेके आना है, एंगल आपस में इक्वल लेके आना है। तो एंगल्स कैसे इक्वल लेके आएंगे, अगर हम यहाँ पर कोई दो ट्राइंगल्स ले लें कॉमन बेस वाले, अगर इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट कर दें तो कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स का, अगर कोई दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट है तो उनके सारे के सारे पार्ट्स हिपे सिटे से इक्वल हो जाते हैं। तो अगर हम ट्राइंगल ए बी सी और ए बी डी, ये वाला ट्राइंगल ले एक तो ए बी डी और एक ट्राइंगल लें हम ए बी सी, और अगर इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट कर दें तो कॉन्ग्रेंट होने से हमें एंगल ए और एंगल बी, ये वाला एंगल और ये एंगल सी पी सी टी से इक्वल मिल जाएगा। और इक्वल एंगल को हम राइट एंगल प्रूव कर सकते हैं क्योंकि पैरेलल पैरेलोग्राम के अंदर अपोजिट साइड्स पैरेलल होती है, तो पैरेलल लाइंस वाली प्रॉपर्टी को यूज़ में लेके हम क्या कर देंगे, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल लेके आएंगे। तो सबसे पहले हम क्या कर हमें क्या करना है, इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट करना है। इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए बी डी, ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल ए बी डी को यूज़ में ले रहे हैं हम। तो फर्स्ट कॉन्ग्रेंट करने के लिए हमें क्या दिख रहा है यहाँ पर कि ए डी इज इक्वल टू बी सी, ट्राइंगल ए बी सी में, सॉरी ट्राइंगल ए बी सी में पहले क्या आएगा बी सी, बी सी इज इक्वल टू ए डी। क्यों है आपस में इक्वल, क्योंकि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स आपस में इक्वल होती है, इसलिए यहाँ पर बी सी इज इक्वल टू ए डी होगा। और रीज़न लिखना है ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, इसलिए हमने यहाँ पर BC इज इक्वल टू AD लिखा है। दूसरी चीज हमें यहाँ पर गिवन है कि ये AC और BD आपस में इक्वल है, डायगनल्स आपको गिवन है ये AC इज इक्वल टू BD, तो यहाँ लिख सकते हैं हम AC इज इक्वल टू BD, ये हमें गिवन है। और थर्ड, यहाँ पर इन दोनों ट्राइंगल्स में एक कॉमन लाइन है AB, AB इज इक्वल टू AB कॉमन, कौन सा रूल लगेगा यहाँ पर, एस 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 ट्रिपल एस रूल से हम इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट कह सकते हैं। बाय एस 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 रूल ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ए बी डी, ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट, सो बाय सी पी सी टी वी कैन से दैट एंगल ए बी सी का एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल बी ए डी बाय सी पी सी टी। सी पी सी टी से हमारे पास में एंगल ए बी सी और एंगल बी ए सी, ये दोनों बी ए डी दोनों एंगल्स आपस में आ गए इक्वल। अब हमें क्या करना है, इन दोनों एंगल्स को राइट एंगल लेके आना है, ठीक है। तो राइट एंगल कैसे लेके आए वो देखो, हमने चैप्टर 6 में पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, इफ़ टू लाइंस आर पैरेलल एंड अ ट्रांसवर्सल लाइन कट दिस टू पैरेलल लाइंस देन सम ऑफ दिस टू इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। अगर कोई दो लाइंस पैरेलल है और उनको एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करे तो वहाँ पर बनने वाले इंटीरियर एंगल्स का सम हमेशा 180 के इक्वल होता है। तो यहाँ पर भी ये ए डी और ये बी सी पैरेलल लाइंस है क्योंकि पैरेललोग्राम है, और इन दोनों पैरेलल लाइंस को ये एक ट्रांसवर्सल लाइन जो है वो कट कर रही है, इसका मतलब कि एंगल बी ए डी और एंगल ए बी सी इन दोनों एंगल्स का सम करने पर हमको कितना मिलेगा 180 डिग्री। तो आपको रीज़न लिखना है सिंस ए डी इज पैरेलल टू बी सी एंड ए बी इज अ ट्रांसवर्सल लाइन therefore सम ऑफ एंगल ए बी सी प्लस एंगल बी ए डी इज इक्वल टू 180 डिग्री, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। लेकिन यहाँ पर तो हमको दिख रहा है कि ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल है, यहाँ पर मैं नाम दे दूँ इसको इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि यहाँ पर हम लिखेंगे इसको फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ पर ए बी सी की प्लेस पर हम बी ए डी लिख सकते हैं क्योंकि दोनों ही आपस में इक्वल है। तो यहाँ पर हम इस बी ए डी की जगह पर एंगल ए बी सी
इस बी ए डी की प्लेस पर हम क्या लिख रहे हैं, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन. इक्वेशन फर्स्ट से हम लिख रहे हैं ऐसा, ए बी सी प्लस ए बी सी टू एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री. देन एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 180 अपॉन टू एंगल ए बी सी इज इक्वल टू, हमारे पास में कितना आ गया, 90 डिग्री. अगर एंगल ए बी सी 90 है तो एंगल बी ए डी भी 90 होगा इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, और अगर ये 90 है तो अपोजिट एंगल भी 90 होगा क्योंकि पैरेललोग्राम में तो अपोजिट इक्वल होती है, तो और ये 90 है तो ये भी, इसका मतलब कि चारों के चारों एंगल क्या हो गए, 90 डिग्री. ऑल एंगल्स आर राइट एंगल्स, diagonals are equal and opposite sides are equal, then we can say that ABCD is a rectangle. तो आपको लिखना है, thus angle A is equal to angle B is equal to angle C is equal to 90 degree. ठीक है, तो आप कह सकते हो hence ABCD is a रेक्टेंगल, क्योंकि हमने यहाँ पर रेक्टेंगल की सारी प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई कर दिया है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो पैरेललोग्राम था पहले, अब ये क्या बन गया है, रेक्टेंगल. ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल. ओके, क्वेश्चन थर्ड है हमारा, शो दैट इफ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल देन इट इज अ रोम्बस. आपको क्या दिया हुआ है, कोई एक क्वाड्रिलेटरल है, कौन सा है ये हमको नहीं मालूम है, क्वाड्रिलेटरल है जिसके डायगोनल्स जो है वो बाइसेक्ट कर रहे हैं एट राइट एंगल. इस वर्ड को आपको ध्यान रखना है कि डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट भी कर रहे हैं और 90 डिग्री पर बाइसेक्ट कर रहे हैं राइट एंगल पर, देन प्रूव दैट इट इज़ अ रोम्बस. तो वॉट इज रोम्बस, हमको रोम्बस की प्रॉपर्टीज मालूम होनी चाहिए. रोम्बस, ऑल साइड्स आर इक्वल, डायगोनल्स आर बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, मतलब कि हमको एक प्रॉपर्टी तो गिवन है, डायगोनल्स उसके राइट एंगल पर बाइसेक्ट करते हैं, बस हमें क्या लेके आना है, उसकी ऑल साइड्स इक्वल लेके आनी है, तो हम कह सकते हैं कि वो क्वाड्रिलेटरल एक रोम्बस होगा. तो फर्स्ट हम डायग्राम बना लेते हैं इसका. एक क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं हम, ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल. ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल्स ए सी एंड बी डी bisect each other at point O and bisect at right angles. मतलब कि यहाँ पर ये जो फोर पॉइंट्स हैं, ये जो फोर एंगल्स हैं, ये चारों एंगल्स 90 डिग्री के होंगे, ये हमें गिवन है. bisect कर रहा है इसका मतलब कि AO is equal to OC और BO is equal to DO, ये हमें गिवन है. bisect भी कर रहे हैं और राइट एंगल भी बन रहा है. ओके, तो जो हमें गिवन है वो हम लिख देते हैं, इन क्वाड्रिलेटरल A, B, C, D, diagonals A, C and B, D bisect at right angle. This implies A, O is equal to C, O and B, O is equal to D, O and एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू बी ओ सी इज इक्वल टू सी ओ डी, ऑल एंगल्स आर राइट एंगल, ये हमें गिवन है. ओके, प्रूव क्या करना है हमें, टू प्रूव ए बी सी डी इज अ रोम्बस, ये हमें प्रूव करना है कि ए बी सी डी यहाँ पर एक रोम्बस होगा हुज ऑल साइड्स आर इक्वल. प्रूफ स्टार्ट करते हैं, इसका प्रूफ कैसे करेंगे, अगर हम यहाँ पर पहले इसको एक पैरेललोग्राम प्रूव कर दें, इस क्वाड्रिलेटरल को पहले हम पैरेललोग्राम अगर प्रूव करें तो उसके लिए उससे हमें क्या मिलेगा, अपोजिट साइड्स उसकी इक्वल आ जाएगी. अपोजिट इक्वल आ गई, फिर हम वापस से अपोजिट साइड्स को इक्वल लेकर दो एडजेसेंट ट्राइंगल्स को लेकर, वहाँ पर हम पहले अपोजिट साइड्स को इक्वल करके फिर हम कोई दो ट्राइंगल लेके उनको कॉन्ग्रेंट कर देंगे, तो उन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट करने से हमको
AD और AB भी आपस में इक्वल हो जाएगी। तो पहले अपोजिट साइड्स को इक्वल कर लेते हैं हम, फिर एडजेसेंट साइड्स को भी इक्वल कर लेंगे। तो ऐसा करने से क्या होगा, ऑल साइड्स इक्वल आ जाएगी, एंड इफ ऑल साइड्स आर इक्वल देन ABCD इज अ रोम्बस। तो पहले हम इसको कोई भी दो अपोजिट ट्राइंगल्स ले लो, या तो इन दोनों को ले लो या फिर इन दोनों को ले लो, ठीक है। अपोजिट ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट कर लेते हैं हम। तो मैं इन दोनों ट्राइंगल्स को ले रही हूँ, आप चाहें तो इधर दोनों को ले लें, कोई दिक्कत नहीं है, अपोजिट लेने हैं। इन ट्राइंगल AOB एंड COD, ट्राइंगल AOB और COD, इन दोनों ट्राइंगल्स को हमें कॉन्ग्रेंट करना है। सबसे पहले AO इज इक्वल टू CO, क्योंकि हमें गिवन है कि डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद वर्टिकली अपोजिट एंगल बन रहे हैं, इफ़ टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर देन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD, रीज़न होगा इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तीसरी चीज, वापस BO इज इक्वल टू DO है, ये भी हमें गिवन है क्योंकि डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं साइड एंगल साइड बाय SAS रूल, ट्राइंगल AOB इज कॉन्ग्रेंट टू COD, ये दोनों ट्राइंगल्स हो गए कॉन्ग्रेंट। ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट क्यों किए थे हमने, जिससे हमें अपोजिट साइड्स इक्वल मिले, और इसको हम क्या बोल सकते हैं, पैरेललोग्राम। कैसे, इफ टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट देन बाय CPCT ऑल एंगल्स एंड ऑल साइड्स आर इक्वल। तो अगर हमने इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट कर दिया है तो हम कह सकते हैं कि BAO और DCO ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल है, और ये दोनों एंगल्स यहाँ पर क्या बना रहे हैं, Z बना रहे हैं। और Z कहाँ पर बनता है, पैरेलल लाइंस में। अल्टरनेट एंगल्स कहाँ बनते हैं, जब लाइंस पैरेलल होगी। तो यहाँ पर क्योंकि अल्टरनेट एंगल्स आपस में इक्वल है तो हम कह सकते हैं अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, सो ABCD इज़ अ पैरेललोग्राम। तो आप लिखेंगे देयरफोर एंगल OAB इज इक्वल टू OCD बाय CPCT, और CPCT से AB इज इक्वल टू DC भी हो रहा है, AB इज इक्वल टू DC बाय CPCT। इसका मतलब हम कह सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि रीज़न क्या आ रहा है कि हमारे पास में अल्टरनेट एंगल्स इक्वल हैं और अपोजिट साइड तो वैसे भी इक्वल हो गई थी, और नहीं लिखें तो भी पैरेललोग्राम होने के बाद में भी हम लिख सकते हैं कि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स वैसे ही इक्वल होती है पैरेलल होने के साथ में। तो आप कह सकते हैं दस ABCD इज अ पैरेललोग्राम हुज अपोजिट साइड्स आर इक्वल, AB इज इक्वल टू DC, एंड दूसरा BC इज इक्वल टू AD, इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब हम क्या करेंगे, अपोजिट ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट करने के बाद में कोई भी दो एडजेसेंट ट्राइंगल्स ले लो, मतलब कि साथ साथ वाले, या तो इन दोनों को ले लो या फिर इन दोनों को ले लो, क्योंकि हमने अपोजिट साइड्स को तो इक्वल कर दिया, अब हमें दो साथ साथ एडजेसेंट साइड्स को इक्वल करना है। तो अब हम ले रहे हैं इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल BOC, ट्राइंगल AOB और ट्राइंगल BOC को कॉन्ग्रेंट करना है। सबसे पहले AO इज इक्वल टू CO, ये हमें गिवन है, फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड, एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल BOC ईच 90 डिग्री, ये भी हमें गिवन है। और थर्ड क्या होगा, यहाँ पर BO इज इक्वल टू BO यहाँ पर कॉमन है, ठीक है। तो यहाँ पर अब कौन सा रूल लग रहा है, SAS बाय SAS रूल, ट्राइंगल AOB इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल BOC, ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट। ये हमने क्यों किया था, ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट होने से हमें क्या मिलेगा, बाय CPCT वी कैन से दैट AB इज इक्वल टू BC, दस AB इज इक्वल टू BC बाय CPCT।
इसको हम मार्क कर लेते हैं इक्वेशन नंबर टू। फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन एंड टू, इक्वेशन नंबर वन में देखिए आप ए बी डी सी की इक्वल है और ए बी बी सी के भी इक्वल है। इसका मतलब कि ए बी बी सी सी डी और सी डी किसके इक्वल है, ए डी के, मतलब कि ए बी डी सी बी सी सब के सब साइड्स आपस में क्या हो जाएगी, इक्वल। तो आप कह सकते हो इक्वेशन नंबर वन और टू से कि ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी, ठीक है, और सी डी किसके इक्वल है, बी सी वापस ए डी के इक्वल है। तो यहाँ पर थर्ड साइड आ जाएगी ए डी, ऑल साइड्स आर इक्वल विद दस ए बी सी डी इज अ रॉम्बस। हमें यहाँ पर हमारा ये मेन मोटो क्या था कि हमें ऑल साइड्स को इक्वल लेके आना है। ऑल साइड्स इक्वल आ गई है तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ए बी सी डी क्या हो गया, रॉम्बस। तो रॉम्बस की प्रॉपर्टी होती है ऑल साइड्स इक्वल एंड डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तो हमें गिवन था, हमें क्या लेके आना था, ऑल साइड्स को इक्वल लेके आना था, वो आ गया हमारे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फोर, फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, शो दैट द डायगनल्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल एंड बायसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। आपको यहाँ पर ये प्रूव करना है कि जो स्क्वायर है उसके जो डायगनल्स है वो आपस में इक्वल होंगे। वैसे तो होते ही हमें मालूम, बट आपको प्रूव करके बताना यहाँ पर कि डायगनल्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल एंड बायसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। दोनों जहाँ पर बायसेक्ट करते हैं वहाँ पर राइट एंगल बनेगा, जैसे कि रोम्बस में होता है वैसा स्क्वायर में भी होता है, ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। गिवन क्या है हमें, ए बी सी डी इज स्क्वायर, व्हाट इज स्क्वायर, ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर राइट एंगल। उस प्रॉपर्टी को आपको यूज में लेके क्या लेके आना है, इसके जो डायगनल्स होंगे वो इक्वल होंगे और पर जहां पर वो बायसेक्ट करेंगे वहां पर राइट एंगल बनेगा। तो फर्स्ट हम स्क्वायर बना लेते हैं हमारा ए बी सी डी इज अ स्क्वायर हुज डायगनल्स आर ए सी एंड बी डी, बोथ डायगनल्स बायसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ। ओके, गिवन है हमें ए बी सी डी इज अ स्क्वायर, दिस इम्प्लाइज ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी। स्क्वायर है इसलिए हम कह सकते हैं कि इसकी ऑल साइड्स इक्वल होगी एंड ऑल एंगल्स, एंगल ए एंगल बी एंगल सी एंड एंगल डी, ऑल एंगल्स आर राइट एंगल, ये हमें गिवन है। एंड प्रूव क्या करना है हमें, डायगनल्स ए सी इज इक्वल टू बी डी एंड एंगल जो बनेगा वहाँ पर कोई भी एक एंगल शो कर देंगे हम कि जहाँ पर ये डायगनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं वहाँ पर राइट एंगल बना रहे हैं, हमें ये प्रूव करना है। प्रूफ, तो सबसे पहले ए सी और बी डी को आपस में इक्वल लाने के लिए कि इस ए सी से जो ट्राइंगल बन रहा है, ट्राइंगल ए बी सी, और इस बी डी लाइन से जो ट्राइंगल बन रहा है, इन दोनों ट्राइंगल्स को अगर हम कॉन्ग्रेंट कर दें, ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल ए बी डी, जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर टू में किया था, वैसे ही यहाँ पर भी हमको इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट करना होगा। अगर ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट होंगे तो बाय सी पी सी टी हम कह सकते हैं ए सी इज इक्वल टू बी डी। तो फर्स्ट हम ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल ए बी डी, इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट करेंगे। तो फर्स्ट यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि ए बी सी डी स्क्वायर है, ऑल साइड्स आर इक्वल, बी सी इज इक्वल टू ए डी, बी सी इज इक्वल टू ए डी, क्योंकि हमें गिवन है कि स्क्वायर है तो ऑल साइड्स इक्वल है, तो यहाँ पर बी सी और ए डी भी आपस में इक्वल ही है। एंड एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ए, ईच एंगल इज 90 डिग्री, सेकेंड पार्ट हो गया इसका। एंड थर्ड यहाँ पर एक कॉमन लाइन क्या होगा, कॉमन रूल देखते हैं हम, कौन सा रूल लग रहा है, एस ए एस, बाय एस ए एस रूल ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ए बी डी, बोथ ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट, दस वी कैन से दैट ए सी इज इक्वल टू बी डी बाय सी पी सी टी। सी पी सी टी से हमने फर्स्ट पार्ट इसका प्रूव कर दिया है, डायगनल्स आर इक्वल। अब क्योंकि यहाँ पर ये ए बी सी डी स्क्वायर है,
अगर ए बी सी डी एक स्क्वायर है तो उसकी अपोजिट साइड्स इक्वल है, और अगर किसी क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट साइड्स इक्वल है तो पैरेलल भी होगी। इफ़ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल देन वी कैन से दैट दिस क्वाड्रिलेटरल इज ऑल्सो अ पैरेलोग्राम। तो इसका मतलब कि ये स्क्वायर जो है एक पैरेलोग्राम भी होगा, क्योंकि इसकी भी अपोजिट साइड्स आपस में इक्वल है। तो आपको लिखना है सिंस ए बी इज इक्वल टू डी सी, अगर साइड्स इक्वल है तो हम उसको पैरेलल भी बोल सकते हैं, ए बी इज इक्वल टू डी सी। अगर आपको इसमें कन्फ्यूज़न है तो आप देख लीजिए यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री के एंगल्स भी बन रहे हैं, अपोजिट साइड्स भी इक्वल है, 90-90 के एंगल्स भी हैं, सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 भी हो रहा है, इसलिए भी लाइन्स क्या होंगी पैरेलल। तो ए बी इज इक्वल टू डी सी, दिस इम्प्लाइज ए बी इज पैरेलल टू डी सी, देन ए बी सी डी इज अ पैरेलोग्राम। इसका मतलब कि ये जो ए बी सी डी है वो पैरेलोग्राम भी है, और अगर ये पैरेलोग्राम है तो इसका मतलब कि इसके जो डायगनल्स है वो बाइसेक्ट करेंगे। तो आप लिखेंगे दस डायगनल्स ए सी एंड बी डी बाइसेक्ट ईच अदर, मतलब कि ए ओ इज इक्वल टू सी ओ एंड बी ओ इज इक्वल टू डी ओ होगा इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब हमें क्या करना है, क्योंकि मुझे यहाँ पर राइट एंगल लाना है, तो उसके लिए मुझे इन दो ट्राइंगल्स, या तो ये दोनों ले लो या फिर ये दोनों ले लो, कोई भी दो एडजेसेंट ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट करना होगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पर डायगनल्स को बाइसेक्ट किया है, ताकि कॉन्ग्रेंसी में वो हमारे यहाँ पर काम आएगा। अब हम ले रहे हैं ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल ए ओ डी, ट्राइंगल ए ओ बी और ट्राइंगल ए ओ डी में फर्स्ट हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, बी ओ इज इक्वल टू डी ओ, बी ओ इज इक्वल टू डी ओ फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। बी ओ इज इक्वल टू डी ओ आ गया। उसके बाद में हमें यहाँ पर एक और चीज़ क्या दिख रही है, कॉमन लाइन है यहाँ पर ए ओ, ठीक है, और तीसरी चीज़ यहाँ पर क्या होगा, ए बी इज इक्वल टू ए डी, क्योंकि स्क्वायर भी है वो, तो बी ओ इज इक्वल टू डी ओ हो गया। ए बी इज इक्वल टू ए डी गिवन है, ए बी सी डी इज अ स्क्वायर, और थर्ड ए ओ इज इक्वल टू ए ओ यहाँ पर कॉमन है, बाय एस 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 रूल ट्राइंगल ए ओ बी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ए ओ डी, ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट, दस वी कैन से दैट एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल ए ओ डी बाय सी पी सी टी। ठीक है, सी पी सी टी से हमने इन दोनों एंगल्स को आपस में इक्वल कर दिया, लेकिन हम जानते हैं कि एक स्ट्रेट लाइन पर बनने वाले एंगल्स का सम कितना होता है, 180 बाय लीनियर पेयर। तो यहाँ पर अगर हम इन दोनों एंगल्स का सम करेंगे तो वो कितना आएगा, 180 डिग्री। एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू 180 डिग्री, और रीज़न होगा इसका लीनियर पेयर। लेकिन इक्वेशन नंबर 2 से, इसको मार्क कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन 2 से हम ए ओ डी की प्लेस पर ए ओ बी लिख सकते हैं, या फिर ए ओ बी की प्लेस पर ए ओ डी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं ए ओ बी प्लस ए ओ बी इज इक्वल टू 180 डिग्री फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। ओके, ए ओ बी प्लस ए ओ बी, टू एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, देयरफोर एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 180 अपॉन 2 करेंगे, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू कितना आ गया, 90 डिग्री। तो हमारा ये सेकंड पार्ट प्रूव हो गया, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, और फर्स्ट पार्ट हमारा यहाँ प्रूव हो चुका था, ए सी इज इक्वल टू बी डी। ठीक है, तो आप लिखेंगे लास्ट में, इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 मार्क कर देती हूँ, यहाँ पर भी आपको कोई इक्वेशन मार्क करनी थी, तो फ्रॉम ए सी इज इक्वल टू बी डी एंड फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 वी कैन से दैट दस डायगनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट एट राइट एंगल।
ठीक है, लास्ट में आपको रीज़न देना है कि डायगनल्स भी इक्वल हैं और दोनों एक दूसरे को बायसेक्ट कर रहे हैं कहाँ पर, राइट एंगल पर। ओके, यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़रूर दूसरों के साथ में शेयर कीजिए। थैंक यू।